नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीबी रेखा में आने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है, लेकिन निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं और एडमिशन के मापदंड पर खरा उतरने के बावजूद गरीब बच्चों को एडमिशन ना देकर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। रेवाड़ी दिल्ली रोड स्थित नामी बड़े स्कूल के गेट पर तपती गर्मी में अपने बच्चों के साथ खड़े ये वो गरीब अभिभावक है जो नियम 134A के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए आए हैं, लेकिन स्कूल है कि मनमानी कर रहा है और अभिभावक गेट पर खड़े हैं। बता दें कि नियम 134A के तहत निजी स्कूल पाबंद है कि 10% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए, जिसको लेकर शिक्षा विभाग बाकायदा लिखित परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर एडमिशन करवाता है, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए गरीब बच्चों को अभिशाप मानते हैं और अभिभावकों को दाखिले के नाम पर अलग अलग बहाने बनाकर चक्कर कटवाते हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के ऑफिस के और स्कूलों के वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। 2 से 8 तक के बच्चे आज एडमिशन हो जाएगा, मैडम प्रिंसिपल ने कह दिया है, ठीक है, और बाकी मंडे को जो बोर्ड क्लासेस है ना वो मंडे को क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ बैठे हो आप? हम कल पेपर जमा करवाए थे तो 134A बच्चे ने जो पेपर दिया था परीक्षा पास की थी, क्वालिफाइड किया है, कल पेपर लेके यहाँ आए, इन्होंने पेपर ले लिए, हमारे डॉक्यूमेंट जो भी है राशन कार्ड वगैरह जो भी वो ले लिए, लेकिन अगला टाइम नहीं दे पाए, उनका 2-4-5-7 दिन के बाद बताएंगे, फिर फोन किया कि कल आएंगे, कल आना आप, आज आए सुबह से बैठे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है, ना तो बच्चा उस स्कूल में पिछले स्कूल में रह पाया, ना ही स्कूल में पढ़ाई की जारी रह सकी, तो बच्चे को तो गोरी मार पड़ रही है पढ़ाई के लिए, मैट्रिक का पेपर देंगे तो क्या बच्चा उत्तीर्ण कैसे कर पाएगा। तो शिकायत की आपने अधिकारियों से? जी, अधिकारियों से मिले, अधिकारी बाहर बैठो सभी का होगा, हम डीओ साहब से इंक्वायरी कर रहे हैं, किस बात की इंक्वायरी करिए हमें पता ही नहीं, किस बात की इंक्वायरी करेंगे। क्या नाम आपके बच्चे का? मेरा नाम नवीन कुमार है, मेरे बच्चे का। कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। क्या नाम है जी आपका? प्रेमलता जी। क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत आ रही है कि 134A के तहत मेरे बच्चे ने जी टेस्ट क्लियर किया था और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिख के जमा कर लिए और ये कह रहे हैं हम बार बार में घूम रहे हैं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम फोन करेंगे आपके पास, फोन करेंगे तब आना, कभी वहाँ जाओ, ये साइन करवा के लाओ, वो करवा के लाओ, तो ऐसे ऐसे करके हमें बहका रहे हैं। 3-4 दिन हो गए जी घूमते हमें, ठीक, और ये है ना कुछ नहीं कर रहे, कभी वहाँ डीसी के पास गए, उसके पास बीओ साहब के पास गए, वो बीओ साहब भी नहीं पहुँचे यहाँ जी, तो अब 2-3 दिन से भूखे पैसे यहीं बैठे हैं। पैसे मांग रहे हैं? पैसे भी मांग रहे हैं जी, 10-10 हज़ार रुपए मांग रहे हैं। इन्होंने तो कहा कि बस नहीं देंगे, चलो बस नहीं देंगे और कुछ खर्चा एडवांस में लगेगा वो देना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे बस नहीं देंगे जी, किताबें वगैरह कुछ नहीं देंगे, किताबें बस वगैरह कुछ नहीं देंगे। तो पहली बार आपका बच्चा 134A के तहत आया? 134A के तहत पहली बार हुआ है। कौन सी क्लास में जी आपको? मेरा नाम मीनू है जी। बच्चा कौन सी क्लास में? 6th में आई मेरी गुड़िया। अच्छा, क्या कहते हैं यहाँ पे आप, कौन सा स्कूल है? और ये डीपीएस स्कूल है और इसमें हम 4 दिन से चक्कर लगा रहे, पहले इन्होंने कागजों के लिए चक्कर कटवाए हमारे और इन्होंने कहा कि हमने आपके फोन नंबर ले लिया, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन सर कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। अब आज हम आए हैं तो आज भी इन्होंने कहा कि तुम डीओ से मिलो, डीओ के पास गए, उन्होंने बीओ के पास भेज दिया, बीओ ऑफिस वाले कह रहे कि आप स्कूल जाओ, स्कूल में आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन स्कूल वालों ने फिर बाहर निकाल दिया। उसके अलावा कुछ डिमांड के अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि भैया हम आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे, लिखित में लेंगे, कि सरकार हमें पैसे नहीं देती है तो वो पैसे हम आपसे लेंगे लास्ट सालाना लास्ट के। और नंबर 2 पे ये तो हमने इनको ये कहा अगर आपके पास कोई भैया, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बीओ का कोई ईमेल नहीं आया, तो हमने कहा लिख के दो, तो ये वापस गुस्से में और बात कर रहे हैं, कह रहे कि हम क्यों लिख के दे, क्या तुम सीएम हो क्या, क्या अजीब अजीब बातें बोल रहे हो, अब कितने चक्कर लगा चुके हैं बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है कितने दिन हो गए। और एक बात और सर, जो क्वालिफाइड दिखा रहे थे जो बच्चों को, मेरा छोटा बच्चा एक और है क्वालिफाइड दिखा रहे, उसका भी स्कूल नहीं दिखा रहे, उसका स्कूल ही नहीं दिखा रहे, कह रहे सीट खाली नहीं है। और दूसरी लिस्ट के लिए भी अभी वो के ऑफिस में गए तो वो कह रहे कि हम कुछ नहीं कह सकते कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम यूँ आ रही है कि जैसे
CBSE की जो क्लास है नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं एक स्कूल से होती है। अभी हरियाणा बोर्ड वालों का एडमिशन हो जाता है CBSE में, परमिशन लेनी पड़ती है ऊपर से, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक नहीं, बाकी जो अभिभावक ये कह रहे हैं उनको हरियाणा बोर्ड की क्लास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्यारहवीं बारहवीं वहीं से हो जाती है, और जब CBSE की बात आती है ना तो नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि अलग से पैसे की डिमांड भी की जा रही है, कोई पैसा कुछ स्कूलों में जो 134 के बच्चे हैं उनके अलग सेक्शन बनाने की शिकायत। नो, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे नहीं होने देंगे। ऐसा कोई हो तो मरीन नोटिस में ले आओ, अब करें काम। एक और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं दे रहे स्कूल वाले, ये चीजें भी आई। ये तो है इनकी मर्जी, अदरवाइज राइट नहीं बनता, बाकी देना चाहिए। यदि ट्रांसपोर्ट की पैसे आप दे रहे हो तो सुविधा देंगे स्कूल वाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं देते हैं तो फिर उसमें उनको हम कहेंगे दो भी इनको। ठीक है सर, आपका मोबाइल भी स्विच हो गया है।